सिविल सर्जन को गुड मॉर्निंग सर, आपका यहाँ स्वागत है ताजा हमारे स्पीकर्स का। और टॉपिक न्यूट्रिशन का तो सबसे बड़ा उद्देश्य वही है कि पोर्शन कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा शायद न्यूट्रिशन में रखता है। हमारे स्पीकर भी शायद बाद में इसको शेयर करेंगे कि 50 से 60% कॉस्टिंग शायद न्यूट्रिशन की ही आती है हमारे मिल पोर्शन कॉस्ट में। यहाँ पर कुछ हमारी जो फर्म है वैन मार्केटिंग और या हमारा जो ब्रांड है वैन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका उद्देश्य ये है कि सारी चीज़ें शायद आपको एक विंडो के अंदर में मिल जाएँ, सारी चीज़ें आपको एक बैनर के तले मिलती जाएँ। यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से बहुत सारा आपको देखकर थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि काफ़ी चीज़ें एक बैनर के नीचे आती जा रही हैं और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें इसी बैनर के अंदर में आपके पास होंगी। सबसे बड़े इशू जो न्यूट्रिशन में आता है कि शायद हम रेशो अपने न्यूट्रिशन का सही नहीं रखते हैं कई चीज़ों में, तो इसलिए हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं फीड फॉर्मेशन की भी, फीड डिजाइनिंग की भी। ये कुछ फॉर्म्स को शायद हमने एक्सटेंड की भी हैं और कुछ फॉर्म के पास शायद एक्सटेंड नहीं हुई है, शायद पास्ट में शायद फ्यूचर में हमारे पास वो फॉर्म्स भी जुड़ेंगे। कस्टमाइज चीज़ें हैं हमारे पास, प्रीमिक्सेस हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इस समय कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीमिक्स की पूरी डिटेलिंग हम लोगों के फोल्डर में भी अवेलेबल है कि एग्जैक्टली प्रीमिक्स चीज़ क्या है। और अगर हम दूसरे स्टेट्स में जाएं, हमारे स्पीकर्स फ्यूचर में शेयर करेंगे आपके साथ प्रेजेंटेशंस में कि पंजाब हरियाणा साइड आप देखें तो प्रीमिक्स का कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, वहाँ अगर आप बात करें तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमने तो अभी अडॉप्ट करना भी शुरू नहीं किया शायद प्रीमिक्स पर। तो ये भी एक चीज़ है जो हमारे पास है। हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं आज, मक्का का साइलेज। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हम साइलेज लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ साइलेज कुछ ही लिमिटेड फॉर्म्स पर अवेलेबल है जो कि शायद खुद बना पा रहे हैं, सभी के लिए साइलेज अवेलेबल है तो ग्रीन ग्रास शायद पूरे साल नहीं मिल पाती, ये सबसे बड़ा चैलेंज है छत्तीसगढ़। इस कारण से फीड कॉस्ट भी ऊपर जाती है और शायद वो रिजल्ट नहीं ले पाते हैं हम, जो रिजल्ट हमको मिल जाने चाहिए न्यूट्रिशन के जरिए। हमारे पास वो चीज़ भी अवेलेबल होगी बहुत जल्दी हमारे पास। हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है फॉर्म्स पर, लैक्टेटिंग एनिमल्स का मतलब दूध देने वाले जानवरों को तो हम शायद फीड बहुत अच्छा बनाते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं उससे, लेकिन जब बात आती है काफ की उसके फीड की या फिर जब बात आती है किसी ट्रांजिशन पीरियड के एनिमल की तो शायद हमारा फीड स्ट्रगल कर जाता है। हम उसके कंप्लीट फीड पर रेडी हैं, शायद नेक्स्ट मंथ हमारे पास ये दो कंप्लीट फीड अवेलेबल होंगे, रेडीमेड फीड स्पेशली दो सेगमेंट के। हमारे पास जल्दी ही डी लेवल हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमारे पास मैनेजमेंटल चीज़ें भी होंगी, डी लेवल के ऑटोमेशन से रिलेटेड पूरे काम होंगे। आप अपने डेयरी को लेबर प्रॉब्लम्स के जरिए आज की डेट में डेयरी स्ट्रगल कर रही है तो ऑटोमेशन होगा तो वो प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो पाएंगी। तो ये भी थोड़ा सा ब्रीफ है कि वैन डेयरी सॉल्यूशंस या वैन मार्केटिंग क्या करने जा रही है।